कैसा लगा सियासी बहू बनकर? बहुत मुश्किल था। मैंने कहा तुम चीफ मिनिस्टर के बेटे हो, मैंने कहा यू आर चीफ मिनिस्टर के बेटे, कौन सबसे ज्यादा गुस्सा करता है? मुझे लगता है भाभी सबसे ज्यादा गुस्सा करती होंगी। कभी भाभी ने गुस्सा किया पर? इसलिए क्योंकि और सब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है, भाभी अगर ये सुनेंगी तो मुझसे गुस्सा नहीं होंगी। तो इसलिए ठीक है, भाभी गुस्सा करती होंगी। मतलब डिंपल यादव खुद गुस्सा करती हैं? कभी कभी गुस्सा कर देती। डिंपल जी बिल्कुल हमेशा हमें डिसेंट नज़र आती, एकदम शांत स्वभाव की, लगता है कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं बोलती होंगी। मैंने एक बहुत बड़ी रिसर्च ने बताया जो बहुत शांत लगे उसी को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आपको लग रहा है अखिलेश भैया बड़ा डर के रहते होंगे भाभी से? पता नहीं, ये बात तो भैया से पूछिए आप। अच्छा, अगर आपको एक अधिकार दे दिया जाए कि आप किसी एक को प्रधानमंत्री बना सकती हैं और आपके पास दो ऑप्शन है, गेस करिए हम आपको क्या ऑप्शन देने वाले? अखिलेश जी और शिवपाल यादव। गॉड बाय गॉड, मैं तो नेता जी को बनाने वाली थी, आपने वो ऑप्शन ही नहीं दिया। हाँ, तो अब दो ऑप्शन है आपके पास, शिवपाल यादव जी। अच्छा चलिए, मैं लाइफ लाइन यूज करना चाहती हूँ, 50-50 यूज कर लेते तो दो ऑप्शन गायब हो गए, एक बचा नेता जी। ऐसा कारण क्या होता कि जिसके बाद लड़ाई ना होती? देखिए, जहाँ भी लड़ाई होने ना होने का कारण ये वैचारिक मतैक्यता नहीं थी किसी में, कुछ मुद्दों पर क्या मन मुटाव किसी की तरफ से खत्म करने की कोशिश नहीं हुई? देखिए, बहुत प्रयास किया गया। तो फिर भी इस लड़ाई का घर की महिलाओं पर किस तरह का असर पड़ा? महिलाओं पे यही असर पड़ा कि भाई जब हस्बैंड्स नहीं भाई अच्छे से वो रहते तो मिलना जुलना बातचीत में भी ये सारी चीज़ें। फ्रूट क्रीम नहीं खा पाई चुनाव के बाद? चुनाव के बाद अगर खाना चाहती तो ऐसा नहीं है, भाभी मुझे खिलाती फ्रूट क्रीम, जैसे अभी आई थी। आखिरी बार कब फ्रूट क्रीम खाई थी जेठानी जी के हाथ की? अभी तो खा नहीं सकते थे क्योंकि चुनाव के पहले ही खाई थी, तभी बेचारों उन्होंने बनाई थी। बढ़िया, डिंपल जी बनाने की शौकीन है और भैया खाने के शौकीन जी? बहुत ज़्यादा, वो मीठा बहुत पसंद है भैया को वैसे। अच्छा, बट और जो है नवरात्र के फास्ट रखते हैं वो। अच्छा, 9 दिन के? 9 डेज के। और हमेशा उनसे पूछा जाता है जब भी कि क्यों फास्ट रखते हैं, तो कहते हैं मैं डिटॉक्स करता हूँ उस समय। कि अपर्णा जी योगी जी की दूर की रिश्तेदार हैं, तो ऐसा है क्या? देखिए, वो बिष्ट हैं, वो बाय बिफोर ही बिकेम अ सेंट, तो वो बिष्ट हैं। हाँ। तो हम भी पैतृक उससे बिष्ट हैं। अच्छा, तो आपको बुरा ही लगा जब अखिलेश जी पर टोटू चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था? नहीं, सिद्धार्थ जी ने लगाया था पहले। तो उन पे काफ़ी ख़राब लगा। बिल्कुल, तो आप किसकी तरफ हैं सबसे ज़्यादा दिल से? देखिए, दिल से मैं नेताजी की तरफ हूँ, हमारे लिए एक ही झंडा है। नेताजी तो अखिलेश जी की तरफ भी है और चाचा की तरफ भी है, हम विलग हो सकते हैं। बट आई थिंक इट विल बी हार्ड टू चूज, बट ये है कि हमारे लिए भैया भी उतने ही बराबर हैं, हमारे लिए चाचा तो भी। फिर किसकी लाडली हैं सबसे ज्यादा? मैं नेताजी की लाडली हूँ, मैं अपने पिताजी की लाडली हूँ नेताजी। बहुत बढ़िया। वैसे डिंपल यादव जी को तो लंदन बहुत पसंद है, इसलिए अखिलेश जी का जन्मदिन हमेशा लंदन में बनता है। अपर्णा जी का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? मेरा फेवरेट टूरिस्ट प्लेस जो है रामगढ़ है, क्योंकि मेरे पैतृक कोठी है वहाँ पर। अच्छा। मेरे पिताजी की। तो आपके जाने वाले पक्की बात है अगली बार से रामगढ़ ही जाने वाले हैं टूर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा घर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। आधे टाइम खाली पड़ा रहता है तो भाई वहाँ चले जाइएगा सब लोग। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अपर्णा जी के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, हम भी जब आए तो दरवाजा खुला हुआ था, बड़ी खुशी हुई। बाय गॉड। साड़ी बांधना किसने सिखाया आपको? साड़ी बांधना खुद सीखा मैंने। अच्छा। और मेरी मदर इन लॉ ने पहली बार मेरी साड़ी, मतलब मुझे बड़ा बहुत डर लग रहा था उनसे, कहीं भी अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ। हाँ। तो फिर आपकी स्लिप ऑफ टंग कर देंगे लोग। वाह क्या बात है, सच बात है, स्लिप ऑफ टंग कर देते हैं लोग। गाती है गाय पालती है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, चुनाव लड़ती है, महिलाओं के लिए आवाज उठाती है, अपने पूरे खानदान में सही बात आगे रखने के लिए जानी जाती है, अखिलेश जी को भैया कहकर बुलाती है। तो आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार की छोटी और सबसे लाडली बहू अपर्णा यादव जी। तो पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, बोल दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके पिछले महीने में ही अपर्णा जी एक बहुत ही प्यारे बेबी की मम्मा बनी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच जी, बहुत कम लोगों को पता है। नहीं, हमको पता नहीं हुआ था जी, बट थैंक यू सो मच। और क्या। अच्छा, तो अब बात धीरे धीरे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए कि इतना बड़ा सियासी खानदान है, बच्चों का नामकरण कौन करता है?
उनके दादू और मतलब दादी बेसिकली। और पिछली बार जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि गुरु या संत से नाम पूछना चाहिए, अपने तो मेरे स्वामी जी जो हैं, मेरे स्पिरिचुअल गुरु जी हैं, अच्छा। स्वामी अवधेशानंद जी, अच्छा। तो उन्होंने नामकरण किया था बड़ी वाली का। अब जब बेसिकली जब पूजा होगी तब छोटी वाली का नामकरण भी शायद से वही करेंगे। चलिए, अब तो घर में इतनी बड़ी खुशियाँ आई हैं, तो आपके भैया अखिलेश जी की तरफ से और भाभी डिम्पल जी की तरफ से तोहफा क्या मिला आपको? तोहफा ये मिला कि बहुत सारी कॉइन्स मिली हैं। कौन से कॉइन्स मिले ये नहीं बताऊंगी पर हाँ ये है कि वो बच्चे से मिलने आए थे और उन्होंने काफ़ी आशीर्वाद दिया छोटी बच्ची को हमको। और खुशी की बात है कि उन्होंने भैया बड़े भाई साहब ने ये बोला कि हमारी दो बेटियां थी, चलो उनकी भी दो बेटियां हो गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी तरफ से भी और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और अब बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ये मुझे नहीं पता था बट आपने बताया, इसको जान करके अच्छा लग रहा है मुझे। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 2019 में अपर्णा यादव जी चुनाव लड़ेंगी? देखिए, चुनाव लड़ना और अभी नहीं लड़ना ये थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है, इसलिए क्योंकि अभी समीकरण भी देख रहे हैं हम, और जिस प्रकार से एक देश में क्रांतिकारी और एक तरह से अलग अलग विषयों पे लोग राय रख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं मी टू मूवमेंट बहुत चल रहा है, स्पेशली बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, पहले क्यों दबी हुई थी। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ी है, और जहां तक चुनाव लड़ने का बात है तो समय आने पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। अब तो राजनीति में कूद ही आए हैं तो चुनाव लड़ना तो अति अनिवार्य हो जाता है। तो हाँ, लड़ेंगे जहाँ से देखेंगे कहाँ से कैसा हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि एक ही विचारधारा की, एक ही घर की दो पार्टियाँ होनी चाहिए थी? देखिए, पार्टी अभी जो सेक्युलर मोर्चा है वो अभी रजिस्टर नहीं हुई है, पहली बात। और जब जहाँ तक विचारधारा की बात है तो दोनों ही विचारधाराएं आप कह लीजिए कि समान ही हैं। पर हाँ ये है कि चाचा जी को लगा कि उनको एक अलग पार्टी बनानी चाहिए, अलग एक मोर्चा बनाना चाहिए जिसमें जो लोग हैं जो शायद कहीं जो है उनकी तरह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं उनको आना चाहिए जी। अच्छा, उनको जोड़ना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल। तो आप किसकी तरफ हैं सबसे ज़्यादा दिल से? देखिए, दिल से मैं नेताजी की तरफ हूँ, हमारे लिए एक ही झंडा है। नेताजी तो अखिलेश जी की तरफ भी है और चाचा की तरफ भी है, हम विलग हो सकते हैं। दोनों ही जब हमारे अपने हैं, प्रिय हैं, परिवार के हैं, बड़े हैं, और मुझे लगता है कि नेताजी के लिए भी सेम ही है, दोनों ही छोटे हैं उनके लिए, दोनों ही बहुत प्यारे हैं। दोनों ही ने बहुत स्ट्रगल करी है, एक उनका पुत्र है, एक उनके भाई हैं, तो जो है दोनों, उनका भी स्टैंड कोई गलत नहीं है, मतलब अगर आप देखें। बट आई थिंक इट विल बी हार्ड टू चूज, बट ये है कि हमारे लिए भैया भी उतने ही बराबर हैं, हमारे लिए चाचा तो भी। फिर किसकी लाडली हैं सबसे ज्यादा? मैं नेताजी की लाडली हूँ। अच्छा, तो प्रतीक जी से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? हमने सुना आपकी लव मैरिज हुई। हाँ, हमारी लव कम अरेंज ही मैरिज हुई। हमारी पहली मुलाकात जो है इनकी, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है, इनकी मम्मी, मेरी सास, उनकी बर्थडे पे हुई। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग वॉज देयर एंड देन वी स्टार्टेड मीटिंग। वी वर वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, हमें पता भी नहीं था कि हमारी शादी हो जाएगी। अच्छा, और अच्छा, आपको ये पता था जब आपकी मुलाकात हुई कि प्रतीक यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे? कुछ पता ही नहीं था, आई वॉज वेरी स्मॉल एंड मुझे कुछ पता भी नहीं था। बल्कि एक बार जब हम लोग जा रहे थे कहीं पे, हम लोग तीन चार लोग थे और मैं थी, तो फिर मैंने देखा कि ये बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, पता नहीं क्यों इतनी तेज गाड़ी। मैंने कहा प्लीज इतनी तेज आप गाड़ी क्यों चला रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे पीछे सिक्योरिटी पड़ी हुई है? मैं कहा सिक्योरिटी पड़ी हुई है? एक आम मतलब लड़की के लिए बड़ी अजीब सी बात है कि ये सिक्योरिटी क्यों पड़ी हुई है भाई तुम्हारे पीछे। मैं कहा तुम कौन से प्राइम मिनिस्टर हो भाई जो तुम्हारे पीछे सिक्योरिटी पड़ी हुई है? एक नॉर्मल सा जो है बातचीत जो होता है, यंगस्टर्स ऐसे बात करते हैं, वैसे ही मैंने भी पूछा। और उन्होंने मुझे बोला कि इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर का बेटा हूँ और मेरे को जो है सिक्योरिटी इसीलिए मिली हुई है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? मैंने कहा तुम चीफ मिनिस्टर के बेटे हो? मैंने कहा यू चीफ मिनिस्टर के बेटा? मैं कहा दिस इज ऑल अ लाई, मैं कहा दिस इज नो, मैं कहा मेरे को आप यहीं पे उतार दो, मेरे को मैं मुझे नहीं, आई वॉज एक्चुअली डर गई थी मैं। अच्छा। मुझे लगा कि पता नहीं कौन है और
कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं सच अच्छा। तो नहीं बोल रहे हैं। फिर बाद में सच में यकीन हुआ कि ये उनके बेटे हैं, और फिर बाद में पता चली, मुझे पता ही नहीं था। मतलब हम लोगों ने कभी इन्होंने भी जाहिर नहीं होने दिया, ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ मैन, और कभी मतलब इन्होंने ये नहीं जताने की कोशिश करी। जैसे आजकल मैं देखती हूँ, अब ज़्यादा देखने लगी हूँ कि छोटे जितने भी नेता बिल्कुल स्प्रिंग अप्स होते हैं, वो एकदम घड़ी पहने हैं, यू नो चेन्स पहने हैं, अनेक टिपिकल नेता का लुक जो लेकर चलते हैं, किसी के भी आप बेटे हैं। इन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं करी, और मुझे लगता है बहुत ही सरलता और सजगता के साथ रहे हमेशा, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, और मुझे लगता है दिस इज़ ऑल इंस्टिल जो इन पे संस्कार है, नेताजी के हैं, मम्मी के हैं, जो घर भर का संस्कार है वो इनमें पड़ा है। अच्छा, कैसा लगा सियासी बहू बनकर? बहुत मुश्किल था, और पहले तो मैं डर गई थी जिस दिन शादी थी मेरी, क्योंकि धक्का मुक्की बहुत हो रही थी स्टेज पर। और मुझे याद है कि बहुत लोग आए थे, मतलब गांव-गांव से ट्रैक्टर भरकर लोग आए थे। अच्छा। और उन्होंने बोला कि फलाने की बहू जी को देखना है, कोई पीछे से बोल रहा है कि ये फलाने जो शेरवानी पहनकर खड़े हुए हैं, कोई कोई आए थे बहुत बड़े, उनका नाम नहीं लूँगी। अच्छा। मैं, बहुत बड़े लोग थे, शेरवानी पहन के बड़े अच्छे से खड़े हुए थे, इज़ अ वेरी बिग शॉट, और वो आए थे हमारी शादी में, और वो खाना खा रहे थे बेचारे उस समय। अच्छा। तो किसी ने पीछे से मेरे बोला, अरे वो गायक हैं, उनको बुलाया है शादी में, देखो देखो चलो गाना सुनते हैं, एक बार खाना खा ले, ये यू नो गांव के लोग थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो दे डोंट रिकग्नाइज मतलब कौन कौन है। तो बड़े अच्छे और चुलबुले से चुटकुले हुए, अजीबो गरीब चुटकुले से हुए हमारी शादी में। तो बड़ा एक डर भी लगा, विस्मय भी हुआ, ये भी लगा कि इतना बड़ा परिवार है कैसे संभाल पाएंगे। आई वॉज जस्ट बैक फ्रॉम इंग्लैंड, मैं बिल्कुल, और फादर मदर दोनों वर्किंग, मतलब कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, खैर यहाँ भी रोका टोका किसी चीज़ के लिए नहीं जाता है, पर एक जिम्मेदारी के साथ आदमी अपने पहनावे में और काफ़ी सारी चीज़ों में, आदतों में बदलाव लाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें थी। साड़ी नहीं बांधनी आती थी मुझे। अच्छा। साड़ी बांधना किसने सिखाया आपको? साड़ी बांधना खुद सीखा मैंने। अच्छा। और मेरी मदर इन लॉ ने पहली बार मेरी साड़ी, मतलब मुझे बड़ा बहुत डर लग रहा था उनसे कि आई वॉज, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ कर और बिल्कुल वापस ही आई थी, तो बूट्स और जीन्स में पहन रहने वाला बच्चा कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ बिल्कुल ही उसमें ढल गया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब नो लुकिंग बैक है, अब 5:30 मिनट में पहन लेते हैं मतलब, तो ये सारी बातें हैं। क्या ये है कि रेपिटेटिवली पहननी पड़ी। हमने भी सोचा कि अब जब हमारी साड़ी नहीं बन रही है तो हम भी पहन कर ही यही रहेंगे, तो पहली बार पिन यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा दी मैंने। तो मेरी मदर इन लॉ ने, बल्कि चाची ने, चाचा जी की वाइफ ने कहा कि अरे बेटा पिन तो यहाँ कमर में लगाई जाती है, तुमने यहाँ नीचे कहाँ लगा रखी है पहली बार। तो हंसी भी हुई, ठिठोलियाँ भी हुई, कई चीज़ें हुई, मजाक भी हुआ, डांटा भी गया कि कैसे बांधती हो साड़ी कभी। बट हाँ, ये है कि विद दैट होल प्रोसीजर आई लर्न टू ड्रेप माई साड़ी इन 5 मिनट्स, एंड आई थिंक, अब मुझे ऐसा लगता है वेयर माई साड़ी प्रिटी वेल नाउ। ऑब्वियसली हमने देखा है भाई, जितनी लड़कियां हैं वो आपके ट्रेंड को फॉलो करती हैं, भाई मैं भी करती हूँ, बाय गॉड। अच्छा, जितनी भी मतलब जो भी लड़कियां हैं जो सपना देखती हैं बड़े खानदान में शादी करने का, उत्तर प्रदेश की कई लड़कियां जो आपको देखने के बाद जिनके दिल में कई सपने आए, सुनहरे सपने सजाकर, तो वो चाहती हैं जानना कि सियासी परिवार के, इतने बड़े सियासी खानदान की बहू बनने के दो फायदे और दो नुकसान क्या हो सकते हैं? दो फायदे तो ये हैं कि जो है आप अच्छी जगह पे रहते ही हैं, है ना, और दूसरी बात है आप अच्छे लोगों से मिलते रहते हैं, और अच्छे लोगों का मतलब है बड़े लोगों से आप जब इंटरेक्ट करते हैं। तो मैंने, एक बहुत बड़े कवि ने भी लिखा है कि आप जब बड़े लोगों के साथ रहते हैं तो बड़े गुण आपके अंदर आते हैं, आचरण में आपके बड़े गुण आते हैं। तो बुद्धिजीवियों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, यू कैन, यू हैव ईजी एक्सेस टू पीपल हु हैव सम नेम एंड फेम इन द कंट्री। तो एक चीज़ तो ये, दो जो फ़ायदे आप बता रहे, दो नुकसान ये हैं कि, दो नुकसान वो बहुत बड़े हैं, दो नुकसान ये है कि कहीं भी अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ तो फिर आपकी स्लिप ऑफ टांग कर देंगे लोग। वाह क्या बात है, सच बात है, स्लिप ऑफ टांग कर देते हैं लोग पकड़ पकड़ के। और जो है दूसरी बात ये है कि अगर कहीं भी आपने जो है किसी भी तरह से आपके या मिसकंडक्ट हुआ या फिर आपका कहीं भी नाम उछाला गया,
गलत उसमें भी, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे थे या नहीं, अफवाहों में भी, तो फिर वो जो है वो चीज़ें बड़े बड़े रूप में आपके परिवार को बहुत असर करती हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए आपको सोच समझ करके मतलब बड़े घरों का मतलब चुनाव, दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी जेठानी डिम्पल यादव जी, उनकी कोई दो बड़ी खूबियाँ बताइए। एक तो वो फ्रूट क्रीम बहुत बढ़िया बनाती हैं, बहुत ज़बरदस्त, उनके जितना अच्छा फ्रूट क्रीम नहीं बनाता कोई। और दूसरा कि शी इज़ अ वेरी वेरी डेडिकेटेड जो है पर्सन, एज अ होम पर्सन, मतलब मैंने देखा है कि शी इज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन वेरी वेल, और बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हैं वो बच्चों की पढ़ाई पर, उनको कैंप भेजने पर, उनको म्यूज़िक भेज, मतलब यू नो टू मेक द चिल्ड्रन लर्न। और आई थिंक हमारे बच्चों पे ही आदमी अपना फोकस करे तो जनरेशन सुधर जाती है, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कर दें तो बहुत बड़ी बात होती है। जी, तो ये दो क्वालिटीज़ उनकी बहुत अच्छी हैं। क्या बात है। आपने आखिरी बार कब फ्रूट क्रीम खाई थी जेठानी जी के हाथ की? अभी तो खा नहीं सकते थे क्योंकि चुनाव के पहले ही खाई थी, तभी बेचारे उन्होंने बताई थी, उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला। अच्छा जी, तो आपके जेठ जी के बारे में क्या कहेंगे, दो बड़ी खूबियाँ बताइए। वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। अच्छा, बढ़िया। डिम्पल जी बनाने की शौकीन है और भैया खाने के शौकीन? जी बहुत ज़्यादा, और मीठा बहुत पसंद है भैया को वैसे। अच्छा, बट और जो है नवरात्र के फास्ट रखते हैं वो। अच्छा, 9 दिन के? 9 डेज के। और हमेशा उनसे पूछा जाता है जब भी कि क्यों फास्ट रखते हैं, तो कहते हैं मैं डिटॉक्स करता हूँ उस समय। तो अच्छी बात है, मतलब ही एडमायर्स रिलीजन इन अ साइंटिफिक मैनर, इन अ साइंटिफिक वे। और एक उनका मैं हमेशा कहती थी, ही हैज़ एन आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। अच्छा, मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका एक तरीका रहा जब वो मुख्यमंत्री थे, और वैसे भी उनकी जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बनाई गई जिस समय भी थे, तो एक बहुत ही मतलब उस तरह से उन्होंने रखा कि भाई सॉफ्ट इन विद द पीपल बट हार्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपने तरह से काम कैसे करना है, किस प्रकार से कराना है, विच स्टाइल ही हैज़ टू फॉलो। तो फिर भी आपकी नज़र में एक ऐसा कारण क्या होता कि जिसके बाद लड़ाई ना होती? देखिए, जहाँ भी लड़ाई होने ना होने का कारण ये वैचारिक मतैक्यता नहीं थी किसी में कुछ मुद्दों पर, तो उसमें परिवार में अमूमन लड़ाई हो जाती है। पर इसमें जो है मुझे लगता है कि मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ रहा कि इट वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन, मतलब इन द प्रेस, और उससे चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपके घर की बात अगर हम ही 4 जगह बोल दें तो उससे कई बातें, बात से बात निकलती है। तो मुझे लगता है उस वजह से ख़राब हो गया सारी चीज़ें। फिर काफ़ी चीज़ों पे मिसकम्युनिकेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कि मनमुटाव में बदल गई। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें रही। तो क्या मनमुटाव किसी की तरफ से ख़त्म करने की कोशिश नहीं हुई? देखिए, बहुत प्रयास किया गया कि मनमुटाव ख़त्म हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे उससे आ जाएं, पूरा परिवार एकजुट रहे। कौन नहीं चाहता है उसका परिवार एक सा रहे? हमने बहुत प्रयास किया, मैंने और इन्होंने बहुत प्रयास किया, मगर बड़ों के आगे छोटों को झुकना पड़ता है। कहते हैं ना, पेड़ जब बड़ा होता है तो टहनियों को झुकना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमने इसलिए भी ये कहा कि हमारे लिए तो देखिए बड़े हैं, सभी बड़े हैं, और हमारी ये आज के नहीं है, ये हमेशा के लिए रहेगा कि जो हमारे लिए बड़ा है उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे ही, वो चाहे भैया हो चाहे चाचा जी हो, दोनों का अपना एक ओहदा है, दोनों का अपना एक परिवार में सम्मान है। तो फिर भी इस लड़ाई का घर की महिलाओं पर किस तरह का असर पड़ा? महिलाओं पर यही असर पड़ा कि भाई जब हस्बैंड्स नहीं भाई अच्छे से वो रहते तो मिलना जुलना बातचीत में भी, ये इसीलिए फ्रूट क्रीम नहीं खा पाए चुनाव के बाद। चुनाव के बाद अगर खाना चाहती तो ऐसा नहीं है, भाभी मुझे खिलाती फ्रूट क्रीम जैसे अभी आई थी, बट उसके बाद फिर आई ऑल्सो गॉट बिजी, शी ऑल्सो वॉज वेरी बिजी, क्योंकि पार्टी डिसइंटीग्रेट हो रही थी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे बोलना था, मुद्दे थे, और ख़ास तौर से एक जो रैलीज थी, मीटिंग्स थी रिगार्डिंग एंटी बीजेपी जो वो हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें भी थी, देवर बिजी इन दैट एंड आई स्टार्टेड, मतलब मैं भी अपना काम में थी। कई अफवाहें उड़ती हैं कि अपर्णा जी योगी जी की दूर की रिश्तेदार हैं, तो ऐसा है क्या? देखिए, वो बिष्ट हैं, वो बाय बिफोर ही बिकेम अ सेंट, तो वो बिष्ट हैं, तो हम भी मैं पैतृक उससे बिष्ट हैं, तो वो इसलिए कहा गया कि भाई एक ही उसमें है,
तो अब तो भाई सन्यासी हो गए ना वो, तो अब तो जो है जब सन्यास ग्रहण कर लेता है कोई भी व्यक्ति, तो फिर रिश्तेदारी और ये सब नहीं है, वो सबके लिए श्रेष्ठ हैं, सबके लिए संत हैं, सबके लिए गुरु हैं, गोरक्षनाथ मंदिर के महंत हैं, अध्यक्ष हैं, सब कुछ हैं, मतलब ही इज़ द हेड ऑफ द टेम्पल एंड बहुत बड़ा पंथ है ये, बहुत बड़ा नाथ पंथ जो है, बहुत बड़ा पंथ है, तो हमारे लिए सभी के लिए अपार्ट फ्रॉम हिम बीइंग द चीफ मिनिस्टर आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज अ सेंट, तो मैं संतों का बहुत आदर करती हूँ। बिल्कुल, आदर हमारी परंपरा में कहा भी गया है कि संत के लिए आदर सम्मान ही रखना चाहिए। अच्छा, तो आपको बुरा ही लगा जब अखिलेश जी पर टोटू चोरी का इल्जाम लगा दिया गया था? नहीं, सिद्धार्थ जी ने लगाया था पहले, तो उनपे काफी खराब लगा, बाद में तो बातें जुड़ती गई, कारवा बनता गया अपना जी। वो तो देखिए जब आदमी फिर राजनीति में रहने लगता है तो वो अलग बात है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो गवी गौ सेवक है और संत है, तो मैं आदर करती हूँ। अच्छा, 2017 में आप कैंट से चुनाव हार गई थी, आंटी से हार गई थी। हाँ, तो बहुत उन्होंने जो है, आंटी ने बहुत कुछ वो करा था उस समय। तो क्या कारण था, क्या लग रहा है उसके पीछे का कारण? तो परचम लहर थी बीजेपी की उस समय, और जिस प्रचंड लहर में जो है इतनी जबरदस्त सीटें आई लोकसभा की, और जो है इतनी जबरदस्त जो है कभी नहीं जीती बीजेपी इतनी सीटें विधानसभा के चुनावों में भी, और मेरी बड़ी एक ऐसी सीट थी जो पहले से हारी ही हुई सीट थी, सपा का कोई वहाँ पर वोटर है नहीं। अगर आप कैंट का जेनेसिस देखिए, जो वोटर जेनेसिस है उसमें सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, उसमें पहाड़ी ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स नॉर्मल ब्राह्मण्स भी हैं, जो मुस्लिम्स बहुत कम हैं, लगभग 10,000 मुसलमान हैं, जो बेसिकली सपा के प्योर वोटर्स हैं वो बहुत कम थे, यादव मुसलमान ठाकुर ऐसा माना जाता है, बोला जाता है, जेनेसिस और जो रिसर्च है वो कही जाती है कि भाई हमारे जो वोटर हैं वो यादव हैं, मुसलमान हैं, ठाकुर हैं, हालांकि अमूमन और लोग भी वोट करते हैं मगर ज़्यादा परसेंटेज इन लोगों का रहता है, तो वो सारी ये तीन जाति विशेष वहाँ पे बहुत कम है। अच्छा, मैं जब चुनाव लड़ना चाहती थी तो मैं सिर्फ काम के आधार पर लड़ना चाहती थी, विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहती थी, मगर मुझे लगा कि भाई आखिर में शायद चुनाव में कास्ट काफी काम आती है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। आपने इस बात को मान लिया? बिल्कुल, मैंने माना है इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आज भी है। चुनावी दंगल के बारे में क्या कहेंगे, 2017 में समाजवादी पार्टी के हार के पीछे का क्या कारण था? झगड़ा भी था, प्रचंड लहर थी बीजेपी की मोदी जी के प्रति, जो लोगों का आम जनमानस का बहुत बड़ा एक वो था, किसे कहते हैं कि सपोर्ट रहा और लोगों की लाइकेबिलिटी रही और उनकी पॉलिसीज़ का एडमिरेशन रहा, आप ये भी कह लीजिए, समाजवादी पार्टी का झगड़ा बहुत बड़ा इसमें मुझे लगता है, जो पार्टी का नहीं बल्कि परिवार का झगड़ा, पार्टी में तो बेचारे सभी लोग एक से ही हैं, सारे लोग बहुत मेहनत करी सभी ने चुनाव के लिए, पर जो झगड़ा हुआ उससे कहीं ना कहीं हमारा जो वोटर है वो बिखर गया। अच्छा, आप अपना पक्ष हमेशा परिवार में जो सही होता है अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखती हैं, तो कुछ नहीं सोचती, अपना पक्ष रख देती हैं, तो क्या लगता है कि उस वक्त पर क्या कुछ परेशानियां होती हैं कि आपको बोला जाता होगा कि देखिए उस समय डांट भी पड़ती है, उस समय कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है आपको सुनना भी पड़ता है, पर बड़ी मज़े की बात यह है कि उसके जब समय बीत जाता है कुछ समय, क्योंकि समय सबसे बड़ा जो है वो रहता है, हीलर रहता है, तो समय जब बीत जाता है आपका, तो उसके बाद जो है लोग सब यही कहते हैं, चाहे वो परिवार के हों, चाहे उसमें कोई घर का या बाहर का भी इन्वॉल्व रहे, वो यही कहते हैं कि अपर्णा ठीक कह रही थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, ये सही बात है ना, तो सही बात बोलनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपको एक भगवान जी एक वरदान दे दें और कहा जाए कि आप पूरे दुनिया में एक कुछ बदलाव कर सकती हैं, एक चीज़ बदल सकती हैं, तो क्या बदलेंगे आप? मैं तो बस एक ही चीज़ बदलूंगी कि रेप ना हो किसी का भी। अच्छा, चलिए अब बातें आ जाती है थोड़ी गुस्सा के ऊपर, ये जो राजनीति आजकल चल रही है बड़ी गुस्सा गुस्सम के ऊपर पूरी, हमको हर तरफ गुस्सा ही, कभी शिवपाल जी अखिलेश जी से गुस्सा हो गए, कभी अखिलेश जी शिवपाल जी से भी गुस्सा हो गए, कभी नेता जी अखिलेश जी से गुस्सा हो गए, तो ये गुस्सा गुस्सा बहुत हो रहा है। अब गुस्से पर ही आ जाते हैं, बीजेपी भी आजकल बड़ा गुस्सा हुई जा रही है भैया, तो गुस्से पर आते हैं, क्या लगता है घर में सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, 5 ऑप्शन देंगे, आपको चुनना है। अच्छा, मैं मतलब अपने आप बता नहीं, मैं ऑप्शन दे रही हूँ, आप बताइए। हाँ जी, आपके ऑप्शन है शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, प्रतीक यादव, डिंपल यादव या फिर अपर्णा यादव। अरे बाप रे बाप,
कौन सबसे ज्यादा गुस्सा करता है? मुझे लगता है भाभी सबसे ज्यादा गुस्सा करती होंगी। कभी भाभी ने गुस्सा किया आप पर? इसलिए क्योंकि और सब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, भाभी अगर ये सुनेंगी तो मुझसे गुस्सा नहीं होंगी। तो इसलिए ठीक है, भाभी गुस्सा करती होंगी। मतलब डिंपल यादव खुद गुस्सा करती हैं? कभी कभी गुस्सा कर देती हैं। कभी आप पर गुस्सा किया है? नहीं, मुझ पर कभी नहीं गुस्सा किया उन्होंने, मुझ पर, सच बता रही हूँ, मुझ पर कभी नहीं गुस्सा करा है उन्होंने। मगर अमूमन भाई आता ही है, एक आदमी है, कितना देखेगी महिला भी, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। लेकिन लगता नहीं है बिल्कुल, डिंपल जी बिल्कुल हमेशा हमें डिसेंट नज़र आती, एकदम शांत स्वभाव की, लगता है कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं बोलती होंगी। मैंने एक बहुत बड़ी रिसर्च ने बताया, जो बहुत शांत लगे उसी को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसलिए ये रिसर्च है सच में, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च है ये, बहुत अच्छी इन्होंने बताया था कि साइको एनालिसिस में बताया गया कि जो बहुत शांत और बहुत सरल और बहुत वैसे रहते हैं, हमेशा मौन रहते हैं, तो वो गुस्सा भी बहुत ज्यादा होते हैं जब गुस्सा करने लगे। तो रिसर्च तो है, तो आपको लग रहा है अखिलेश भैया बड़ा डर के रहते होंगे भाभी से? पता नहीं, ये बात तो भैया से पूछिए आप, मैं इसके भी पति पत्नी के बीच में मुझे नहीं बोलना है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को मायावती से क्या गठबंधन करना चाहिए था? क्यों नहीं, अगर गठबंधन भाई एक साथ खड़े होंगे तो अच्छी बात है, खड़े। अच्छा, मायावती जी से मिली है कभी? कैसी महिला है मायावती जी? मायावती जी से मेरी कभी मुलाकात पर्सनली नहीं हुई है, मगर मैं अपनी मेरी बहुत अच्छी मित्र है, उनकी शादी में मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो उनसे नमस्कार हुआ था, दो टूक बात हुई थी यही, बट कभी ऐसा मुझे तो लगता भी नहीं, उस समय मैं बहुत छोटी रही थी, तो बस मैंने उनको देखा था, नमस्कार हुई और उन्होंने हंस के नमस्ते किया। मुझे लगता है बच्चियों से वो बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, मायावती जी, शी इज़ वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स गर्ल्स, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने बातचीत करी उस समय। और फिर क्या बात है, बहुत बढ़िया, हमारे सारे सवालों का जवाब अपर्णा जी ने बहुत बखूबी दिया है, तो तालियां बजाइए पहले तो इनके लिए, बहुत सारी तालियां बज गई होंगी हमको पक्का पता है। अब बारी आई है उस वक्त की जिसका लोग दिल थाम कर, सीट पकड़ कर, धरती पकड़ कर इंतज़ार करते हैं, किस करिए कौन सा वक्त, वो वक्त जब हम आपको सोचने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे, और हमारे इस खतरनाक से जो है वक्त का गेम का नाम है रैपिड फायर। ओ गॉड, डॉक्टर फ्रॉड तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर फ्रॉड नहीं है, रैपिड फायर है। हम आपको कुछ सवाल बोलने वाले हैं और आपको उसका जवाब एक ही शब्द में देना है। माय गॉड, आई एम वेरी स्कैर्ड नाउ, एक्चुअली मैं खुद हिल रही हूँ। अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा? नहीं, अर्थक्वेक नहीं आने वाला, 2019 के लिए छोड़ दिया उसको। अच्छा, चलिए बताइए। अच्छा, तो सारे सवाल देंगे आप, आंसर देंगे, रेडी हैं आप? आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। ओके, आई एम रेडी। ओके फाइन, सवाल शुरू करते हैं। प्रतीक यादव, लव। अखिलेश यादव, भैया। डिंपल यादव, भाभी। अपर्णा यादव, मैं। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर। शिवपाल यादव, चाचा जी। 2019 चुनाव। 2017 पुराना चुनाव। 2019 लोकसभा चुनाव, अच्छा चुनाव। आदित्य यादव भाई, वो भी अंकुर, मतलब मेरे लिए देवर। क्या बात है, काना ओपन, आखिरी सवाल, काना ओपन। गाय, सेकुलर मोर्चा, चाचा जी। तो हमारा पॉलिटिकल हीरोज में आज हमने बात कर ली, पॉलिटिकल हीरो हमको मिल गए हैं बहुत खोजने के बाद। अपर्णा जी, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं हीरोइन, पॉलिटिकल हीरोइन है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अपने घर की भी हीरोइन है आप? भाभी भी हैं। भाभी भी हैं, चलिए ठीक है। माता जी भी हैं भैया, हीरोइन सब है, और जो बच्चियां हैं वो सब भी हीरोइन है, सब हीरोइन है। सही बात है, सब हीरोइन है, सब जितने भी मेल्स हैं सब हीरोज हैं। सही बात, बहुत बढ़िया, सब हीरो हैं और अपर्णा जी के साथ सभी लोग हीरोइन हैं। और तो अभी क्या है कि हीरो से हीरोइन फाइट कर रहे हैं, हीरो हीरोइनों से फाइट कर रही हैं, और हीरो हीरो सब हीरो हीरोइन सब मिल गया है। हमारा पॉलिटिकल हीरोज का आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, आगे बढ़ेंगे किसी और पॉलिटिकल हीरो के साथ, आप हमारे साथ ऐसे जुड़े हुई है, बढ़िया।